हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आइए, आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल कल्पना फूड चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ साउथ इंडियन रसम। तो फ्रेंड्स, रसम तो बहुत टाइप का होता है। टोमेटो का रसम होता है, टैमरिंड का रसम होता है, फिर जीरा जो होता है उसका रसम होता है, दाल का भी रसम बनाया जाता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही झटपट बनने वाली रसम, टोमेटो की ये रसम। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बनाना। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें और मुझे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये रसम बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रसम बनाना। रसम बनाने के लिए मैं सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसमें 1 बड़े टेबल स्पून ऑयल डाली हूँ। रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं आप। उसके बाद मैं ये 4 से 5 बड़े टमाटर का मैं ये प्यूरी बना के रख ली हूँ, देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें रसम में डालने के लिए 2 हरी मिर्च ली हूँ, जिसे मैं लंबा लंबा और छोटा थोड़ा काट ली हूँ। और ये करी पत्ते ले ली हूँ मैं, 10 से 15 करी पत्ते हैं। धनिया की पत्ती है। और ये जो मैं लहसुन ली हूँ, इसे बस सिंपली इस तरीके से मैं इसे कूट ली हूँ। और ये स्वाद के अनुसार नमक ली हूँ और ये राई के दाने। और थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी भी डालूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें राई के दाने डाल देती हूँ। जब ये चटकने लगे तब इसमें मैं लहसुन डालूंगी। तो ये देखिए, ये चटक रहा है, चटकने लगे हैं। और ये उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ और ये लहसुन। लहसुन के बाद कुछ करी पत्ते। लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाना है। उसके बाद मैं इसमें ये टमाटर का प्योर डाल देती हूँ। अच्छे से भून लेंगे टमाटर को। उसके बाद मैं इसमें नमक भी ऐड कर देती हूँ। टमाटर भून जाने के बाद इसमें पानी डालेंगे। तो टमाटर को भूनने देते हैं। तो फिर देखिए, ये भून गया है। और इसमें थोड़ा सा मैं भी हल्दी डालूंगी, बस कलर के लिए डालना है। इसे मिला लेते हैं। मैं बहुत ही ये सिंपल रसम बना रही हूँ, जो बहुत झटपट बनती है। तो ये हो गया है अच्छे से। तो अब मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालूँगी और 1/2 गिलास डाल रही हूँ बस। इसे मिला लेते हैं। रसम बहुत पतला होता है और इसे अच्छे से बॉयल आने तक वेट करते हैं। तो चलिए ढक्कन लगा देते हैं इसका। बहुत अच्छे से इसमें उबाल आ गया है और ये रसम बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। तो चलिए इसे मैं थोड़ा एक बाउल में सर्व करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये रसम बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसके ऊपर से मैं थोड़ी सी ये धनिया की पत्ती डालूंगी। देखिए अब लग रही है ना बहुत टेस्टी। तो देख सकते हैं आप कितनी सुंदर बनी है, ये बिल्कुल सूप के जैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये झटपट बनने वाली ये रसम की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी पे, तब तक के लिए बाय बाय।